Morning. Radish! मंत्रा विला, शहर के शोर शराबे से दूर एक आलिशान फार्म हाउस। सुकून की चाह में लोग अक्सर यहां रहने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता इस वीरान जंगल के सन्नाटे में गूंजती है तो बस खौफ की चीखें। इस विला में चिताएं नहीं, जिंदा इंसान चलते हैं। चौथा पैगे फिर भी होश में हूं। क्या सोचा, मेरा प्रॉफिट मार लोगे? 75-25 मुझे डील मंजूर है। हेलो। हाय इंस्पेक्टर। हाँ बोल रहा हूं, तू कौन है बे? हीरो। हीरो तेरा नाम है? अरे बाड़ा। टाइम खोटी मत कर, एक मांडवली का काम है। मांडवली? 50% तेरा, 50% मेरा। जो भी कहना है रोशनी बार में आके कह। लेकिन मेरा काम तो हो जाएगा ना? काम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट तैयार रख। हीरो। चलता हूं साहब। उठा। बिना कोल्ड ड्रिंक पानी मिलाए? ले। मिलावट से नफरत है साहेब। ऐसे पिएगा तो मर जाएगा। अपन का गुर्दा फेफड़ा मजबूत है, अपन को कुछ नहीं होगा। क्या बात करनी थी? वैसे कुछ खास नहीं। तेरे को ठोकने का पैसा मिला है। मेरे को ठोकने का पैसा मिला है? तू जानता है ना किससे बात कर रहा है? हाँ माई थी रे। एक इच पंच में टपक गया और पूरी बोतल पिएगा? मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाता है थर की ब्योड़ा। ये थाम रे। यार हीरो कैसा भिड़ू? बिंदास, नाके पे मिलते बाद में। हे जूनियर यादव, कैसा है रे? इतने खुन्नस में काय को देख रहा है तू? अपन को खाएगा क्या? काल है, ठंडी है, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। अबे बाल आंख पे आएगा तो चकना हो जाएगा। भाव किसी के साथ मीटिंग में बैठे तो मैं क्या करूं? अपन को कोई रोका है? मैं हूँ शंकर यादव। क्यों रे, बहुत चर्बी चढ़ी है? दुकान खाली नहीं किया अभी तक? मैंने पंटर भेजे फिर भी इतनी हिम्मत? सॉरी भाई, मालूम नहीं था कि वो आपका आदमी था। अबे झिंगोर, तेरा खोपड़ी खाली हो गया, उसको रिचार्ज कर। समझ में आया कि नहीं? हाँ, जो भी डील कर रे लाया वो इच मेरा आदमी है। ठीक है भाई। कल सुबह तक कैसे भी शॉप खाली होना मांगता ही चे, वरना तू मुझे जानता ही चे। खाली कर दूंगा भाई। उसी में तेरी भलाई है। ठीक है भाई। अभी तेरा मैटर सॉल्व, अपना छोकरा लोग आएगा, बाकी का पैसा दे देना, समझा? ठीक है भाई। चल कट ले। नमस्ते, अब चलता हूँ। क्या हीरो, कल एक पुलिस वाले को ठोकाया? अपन कशाला ठोकेगा उसको, है ना? बिल्कुल पक्की खबर है। कल अपना इंस्पेक्टर रोशनी बार में बैठा था। ये शाना वहां जाके उसको मार के आया भाऊ। ये गपरे, ए तू बस नाम का हीरो है, सच का नहीं। पुलिस पे काय को हाथ उठाया? उस इंस्पेक्टर ने एक रात के लिए हवलदार की बेटी मांगी थी। हाँ तो तू क्या उसको मारेगा? मैं फोकट में किसी की सुपारी लेता है क्या? पैसा मिला तो फोड़ डाला। थोड़ा ध्यान रखना भाव, ये सब तेरी वजह से ही छुआ। मेरी वजह से? हाँ, आजकल तू अपन को काम नहीं देता है ना। मतलब गलती मेरा है? ओ भाव, ठीक है ठीक है। ये मिस्टर राजा राव है। कसका है साहब? नमस्कार। हाउ डू यू डू? बिजनेसमैन है ये,
कौन सा बिजनेस? वो जाना तेरा बिजनेस नहीं। ओ, अच्छा अच्छा, क्या मैटर इनका? एक लड़की पैसा खा के बैठी है, इसलिए जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। शराफत से कैसे मिलेगा? अरे बात को समझो, वो मेरा फ्रेंड की बेटी है। तो उससे वसूली कर? कैसा मांगेगा, वो तो मर गया है ना। उसकी बेटी बोली साल भर में पैसा देगी, लेकिन मेरे को पैसा अभी चाहिए। क्या ही रहो, मैटर समझा क्या? बिना नोट के अपन की खोपड़ी में कुछ नहीं जाता। अभी सब समझेगा। दिमाग में छप गया पूरा मैटर। वो पोरगी किधर रहती है? C44 वेंगल राव नगर। ए, तो याद रख और बाद में मेरे को व्हाट्सएप कर। ओ भाव, छोकरी का नाम क्या है? मंत्रा। भूत है यहाँ पर, भूत है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले, यहाँ पर भूत है, भूत है। यहाँ पे भूत है, यहाँ पे मत आना, यहाँ पे भूत है, यहाँ पे मत आना, भूत है। आज के लिए इतना ही, चलो नमस्कार करो, 1 2। ओके चलो सब घर जाओ, सी यू टुमारो। ओके बाय टीचर, बाय टीचर, ध्यान रखना, कल मिलते हैं। ओके बाय इवनी, उठ जा, ऑफिस का टाइम हो गया यार, उठ जा। अरे सॉरी सॉरी, जोर से लग गया क्या? बॉयफ्रेंड के साथ कूची कू कर रही थी, तूने उठा दिया। चुप रहे, चल मैं निकल रही हूँ, बाय। रंगस्वामी अंकल है? शिफा चेक। आप कौन? मुझे नहीं पहचाना, सेक्रेटरी श्रीकांत। यंगर ब्रदर, आप रंगस्वामी? कंपनी का सीनियर पीयून हूँ मैं, पहले कंपनी का सीईओ था। वो क्या है कि मैंने कंपनी का 200 करोड़ का नुकसान करा दिया, इसीलिए मुझे मैनेजर बना दिया। जब 300 करोड़ का नुकसान किया तो जूनियर मैनेजर बना दिया। जूनियर मैनेजर बनने के बाद तो मैं पूरी कंपनी ही खा गया, इसीलिए मुझे क्लर्क बना दिया। और सर को थोड़ी सी दया आ गई तो उन्होंने मुझे फिर से प्यून बना दिया, वो भी सीनियर वाला। देखो बेटी, मेरा एक साइड बिजनेस भी है जिसे मैं चलाता हूँ। मेरी 250 फैक्ट्रियां हैं, सारे डुप्लीकेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, डबल रेट पे तुम्हें दिलवा दूंगा। एक दिन की गारंटी और ऊपर से एक घंटे की वारंटी भी है। और इसके साथ साथ मेरे नकली घी के कुएं भी हैं। जब भी हलवा बनाना हो मैं तुम्हें फ्री में घी दे दूंगा, उसे खाने के बाद तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। मेरी बीबी उसी को खाती और उसी को लगाती है, मैं भी खाता हूँ, इसीलिए मैं भी जवान हूँ। तुम्हें जिनसे मिलना है वो ऊपर बैठे, तुम जाके मिल सकती हो। नमस्ते अंकल। आओ बेटा बैठो। कैसी हो तुम? समझ गया मैं, बेटी तुम्हारे चेहरे से ही पता चलता है कि एक और किराएदार भाग गया। हाँ अंकल, अगर मैं फ्री में किसी को रुकाऊं तो भी कोई नहीं रुक रहा। ऐसी कौन सी बात है जो घर में कोई रहना नहीं चाह रहा? लोग तो कह रहे हैं उस घर में आत्माओं का वास है। यकीन नहीं होता कि आज के जमाने में भी लोग ऐसी बातों को मानते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? दुख ये है कि घर पर भूतिया होने का ठप्पा लग गया। उसे हम कितने भी सस्ते में बेचना चाहें पर कोई खरीदार नहीं मिलेगा। इसी हफ्ते मैं एक प्रोफेसर से मिला था जो इस घर को खरीदना चाहते हैं, पर उनकी शर्त है कि मैं इस घर को तभी लूंगा जब कोई यहाँ रहता हो। अगर घर में रहने वाला सही सलामत है तो उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। अगर ये शर्त हम पूरी कर दें तो घर आसानी से बिक जाएगा और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है अंकल। पायलट की तरह चलाता ना बाइक, बता क्या सीखा मेरे से? यही कि किसी राह चलते आदमी को जिंदगी में लिफ्ट नहीं दूंगा। चमारी टोपी चली। Quality.
इंस्पेक्टर सही था, नीट नहीं पीना चाहिए। कौन हो तुम? हीरो। तुम्हें किससे मिलना है? मंत्रा। मंत्रा कुछ काम से बाहर गई है। यहीं लौटेगी ना? क्या बोले, वो तुम्हें जानती है क्या? नहीं हो, लेकिन मिलने के बाद जान जाएगी। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, यहाँ से निकलो। तीन से एक, तीन से दो, तीन से तीन, तीन सौ चार, तीन सौ पांच, रुक गए, तीन सौ चार। ये तो बोल दिया था पहले ही। करते रहे आगे की गिनती आती नहीं है। ए, कौन हो तुम? ओहो, तो तुम ही छो मंत्रा। तुम कौन हो? हीरो। पैसा दे मैं कल्टी। पैसा होगा? राव साहब से पैसा लिया था ना, उसी का सेटलमेंट करने शंकर भाई ने मुझे यहाँ भेजा है। ये टाइम बहुत कम है रे, लवकर पैसे दे। चे, टाइम पास करके अपना मूड खराब कर रही है तू। ए, मैं क्या तुझे पागल लगती हूँ कि कोई भी ऐरा गैरा आके मुझसे पैसे मांगेगा और मैं दे दूंगी? जिससे उधार लिया है उसी को पैसे दूंगी। तुम कौन होते हो पैसे मांगने वाले? चलो निकलो यहाँ से। पैसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। और अगर नहीं दिए तो? नहीं दोगी तो पैसे मिलने तक यही रहूंगा, यही खाऊंगा, यही पीऊंगा, यही सोऊंगा। आज से अपन अपना अड्डा यही जमाएगा। ए, ये कोई धर्मशाला नहीं है। पैसे मांगने हैं तो इज्जत से मांगो, ये कोई तरीका नहीं है। निकल रहे हो या पुलिस को बुलाओ? पुलिस बुलाओगी? पुलिस के नाम से डर लगता है मुझे। ए पुरी, लाओ फोन। बोलना शंकर भाव का आदमी आयला है, देखता हूँ कौन आता इधर। अगर बीच में बोली ना तो अपन की खोपड़ी सटक जाएगी। जिसको बुलाना है बुला ले, पुलिस, एमएलए, मिनिस्टर, सीएम या पीएम, जिसे बुलाना है बुला ले, अपन इधर से नहीं उठने वाला। पीप पीप। राव अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन बात क्या है जरा मुझे तो बताओ। पापा ने उनसे पैसे उधार लिए थे, मैंने कहा था मैं उन्हें दे दूंगी। गुंडे को भिजवाने की क्या जरूरत थी? छी, कितनी नीच हरकत की। पापा ने हमेशा उनकी हेल्प की है। तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे। खत्म हो गए। घर कितना गंदा करके रखा है, हर जगह बॉटल्स ही बॉटल्स। क्या करूं मैं इसका, कैसे भगाऊं इसे, सोचना पड़ेगा। पहले तो सफाई कर लेती हूँ। छी, कितनी गंदी स्मेल आ रही, पता नहीं कहां से आ गया ये। एक बार बंगला बिक जाए फिर इससे निपटूंगी। कितना परेशान करके रखा है, पता नहीं कहां से आ गया ये गुंडा मावाली मेरे घर में। काश मेरे पास पैसे होते। अंकल आप बीच में क्यों आ रहे हो? हाँ, चुप रे। ए, बच्चों को हाथ मत लगाना। अच्छा इस तरह से बात करने का? बच्चों एक हफ्ते की छुट्टी है, मैं बताऊंगी कब आना है। ओके ओके मैडम। अगर भाई मंत्रा विला में भूत है, लोग तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सच होगा। या हो सकता है, अगर सच नहीं होता तो कोई रहने क्यों नहीं आता वहां। पता नहीं कहां फंस गई हूं मैं, किसे भेजूं वहां रहने के लिए। शह,
विनी, मुझे एक बात बताओ, तुम भूत भूत में मानती हो क्या? भूत भूत कुछ नहीं होता, यह सब मन का वहम होता है। थैंक्स, ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है? मंत्रा बुला। क्या हुआ, अचानक से मंत्रा वाला क्यों जा रहे हैं? मुझे जाके देखना है वहाँ प्रॉब्लम क्या है। वैसे भी और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, लोग कहते हैं वहाँ भूत है, इसीलिए मैं खुद जाके देखना चाहती हूँ कि वहाँ कुछ है या लोगों की बनाई कहानी है। राजेश कुमार, रामदेव सिन्हा, मंत्रा, ये सब कौन है? अब ये सारे लोग पहले यहीं रहते थे, इन लोगों की यहाँ एक एक करके मौत हो गई और बस तभी से प्रॉब्लम शुरू। मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है मंत्रा, यहाँ से चलते हैं ना। विनी, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बैठी हो? बस ऐसे ही, बैठो ना। चलना, यहाँ से निकलते हैं। हाँ चले जाएंगे, मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं, तो बेवजह डरती है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अंदर है क्या? जल्दी बाहर आना। अगर ये बाथरूम में है तो टीवी कौन देख रहा है? उफ़ो, लगता है बंद करना भूल गई।
कैसे? यहाँ कैसे मतलब? तुम तो अभी बाथरूम में थी ना? बाथरूम में? हाँ। सच बोल, तू डर रही है ना? हाँ, मैं डरी तो नहीं। झूठ मत पर बोल। मैं ये सोच रही हूँ कि तो बाथरूम में कौन था? कोई नहीं है अंदर। रुक, मैंने देखा अंदर कोई है। अच्छा तो रुक, मैं देख के आती हूँ। नहीं, तुम अंदर मत जाओ, तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। घबरा मत, कुछ भी नहीं होगा। प्लीज, अरे जाने देना मुझे। मेरी बात मानो, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख कर आती हूँ। क्या? रुक जाओ। कोई भी नहीं अंदर, तू खुद ही देख ले। नहीं था, कोई तो था वहाँ पे। अरे कोई नहीं है, तू खुद ही जाके देख लेना। जा ना, दे कुछ भी नहीं है बाबा। अरे तू डर मत, चल रूम में चलते। मैं नहीं जाऊंगी। अरे चल ना। यहाँ नहीं जाऊंगी। क्या हो गया? देखो ना, कोई नहीं है अंदर। भूत है। क्या हो गया? मुझे घर जाना है। क्या यार विनी, मुझे लगा तू नहीं डरेगी। भले तो मेरी बात ना मान, लेकिन अंदर कोई था, शायद से कोई आत्मा। तेरा वहम था, मैंने खुद देखा वहां कुछ नहीं था। चल कोई बात नहीं। वो बेवड़ा कहीं पीकर पड़ा होगा। पीछे वाले दरवाजे की चाबी है, तो चल। क्या दिन आ गए, अपने ही घर में चोरों की तरह जाना पड़ रहा है। छी, मर जाएगा एक दिन पी पी के। हे मंत्रा, कंप्यूटर कहाँ गया? जहाँ होता है वही होगा। अरे नहीं है बाबा, ये उस बेवड़े ने किया होगा। हेलो, ए हेलो गुंडे, कंप्यूटर कहाँ गया? बेच दिया। बेच दिया? किसे बेचा तुमने? कितने में? 2001 रुपए में बेचा। 30,000 का कंप्यूटर 2,000 में? वो भी घटिया शराब के लिए। 2,000 नहीं, महंगा बेचा, 2001। घर पे मेहमान आया हुआ है, लेकिन मेहमान नवाजी के लिए कोई नहीं है, है? जाओ मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ, कब से मैं भूखा हूँ। कुछ नहीं तो मिसल पाव खिला दे, भाऊ के टप्पे पे बहुत अच्छी मिसल पाव मिलती है, वहाँ जाकर लेकर दो पाव एक्स्ट्रा। और आते वक्त कांदा भजी मिलती है, तो वो भी दो प्लेट लेकर आ। कांदा भजी खानी है? कांदे का रेट भी मालूम है क्या? हाँ? चल चल, तुझे बताती हूँ कांदा भजी। चल आजा, खिलाती हूँ तुझे सब कुछ। बट जाएगी ऐसे। तू निकल निकल मेरे घर से, बहुत हो गया तेरा, नौकर समझ रखा है। मत करवा मुझसे, आराम से। खत्म हो गए तेरे दिन, चल निकल, दिखता है कॉमर्स। तेज तो पूरी बेवड़ा कहीं का। अरे 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 तेरा क्या समझती है रे तू खुद का? मुझको मुझको इस घर से बाहर निकल दिया। छोड़ो उसे, छोड़ो। नहीं, मुझे मारता है, गला दबाएगा। इतना छोड़ूंगी नहीं तुझे। हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मार जा। क्या रे, क्या रे, मेरे पे हाथ कैसे उठाया तूने? मेरा गला पकड़ती है। हट बीच में से। अपन को हाथ लगाया ना तो काट डालूंगा। माला हाथ लगते तू हट रहे। चल
क्या रे, मारेगा तू मेरे को? कौन है रे तू? शंकर भाई का आदमी बोलता है ना खुद को? हाँ, तेरी औकात क्या है? मैं कोई ऐसी वैसी डरपोक लड़की नहीं हूँ, मंत्रा हूँ मैं, मंत्रा हूँ मैं। चल जा, जा अपने राव के पास और बोल दे कि उसको पैसे अभी नहीं मिलेंगे, नहीं दूंगी, जो करना है कर ले। जाने दे, मंत्रा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, तुझे भी मार डालूंगी और उसे भी। शांत हो जा। ये देखो, वो घर 5 एकड़ का है और 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और ये है उसके पेपर्स। एक बार ये घर बिक जाए, उसके कर्ज चुटकियों में उतर जाएंगे। उसने तो राजा राव को कहा भी था कि घर बेचने के बाद वो पैसे दे देगी, पर उसका नसीब तो देखो, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स उसके सर पर आकर बैठे हैं। बस तुम्हारी कमी रह गई थी, गवार। नमस्कार। आपको भी सीखना है क्या? ये बच्चे, मैंने इनको फोन करके बुला लिया। अंकल ने कहा कि मंत्रा दीदी आज हमें डांस सिखाएगी, इसलिए हम सब यहाँ आ गए। ए, बच्चों से झूठ क्यों बोल रहे हो? माफ करा विनी जी, मेरी वजह से यहाँ से गए थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें वापस बुला लूं। कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने दिमाग लगाया और डांस का बहाना दे दिया। तुम लोग अभी जाओ, जब मंत्रा दीदी बुलाएगी तभी आना। तुम्हारे रंग कुछ अलग ही लग रहा है। वो क्या है ना, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मदद और मुझसे? ये लीजिए फेस वॉश। नहीं, तुम तो हमें यहाँ पर धमकाने आए थे ना। वो कहना मैडम, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे इंसान से ही गलती होती है ना। वो बात यह है ना कि मुझे एक बिजनेस डील की बात करनी है तुमसे। तेरे को मालूम है क्या, मेरा एक और बिजनेस भी है। कौन सा? बांध का मंत्रालय। मतलब रियल इस्टेट। अलका मैडम, कोई बात नहीं है, तुम वहीं बैठो, अपन नीचे बैठ जाता है। मैडम का बंगला है ना, वो अपन बेच देगा। तुम्हें उसे बेचने की कोई जरूरत नहीं है, बस मतलब? वहाँ 1 हफ्ते तक रहना है। उसमें मेरे को क्या मिलेगा? तुम्हें वहाँ रहने के 5% कमीशन देंगे। आइला, प्रॉपर्टी बिक गई क्या? वो प्रॉपर्टी 4 करोड़ में बिकी है, पर लेनदार की शर्त है कि वो तब भी पैसे देगा। अच्छा, जब उस घर में कोई 1 हफ्ते तक रहेगा। मैं 1 हफ्ता क्या, 2 हफ्ता रह लेगा, लेकिन मेरे को 5% कमीशन चाहिए मैडम, प्लीज। मैडम से बात करिए तू। सुप्रभात मैडम, तुम्हें उठलात, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। आपको देख के मेरे डोले तृप्त हो गए। रुके मैडम, अरे जरा आइका। चल, पागल है तू? उससे बात करिए। हाँ, वो कह रहा था कि वो मंत्रावला में रहेगा, ये उस घर में रहेगा। घर नहीं बिकाना तो भी चलेगा, ऐसे फालतू को वहां नहीं जाने दूंगी, मेरा घर है वो। कुछ तो करना पड़ेगा इसको यहाँ से 9-2-11 करने के लिए। वो वहां रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वैसे भी कोई आम आदमी उस घर में तो रहना चाहता है नहीं, तो इस गुंडे को ही भेज देते हैं। ये नहीं हो सकता। अब तू ही शांति से सोच, अगर वहाँ कोई रहेगा नहीं तो वो घर बिकेगा कैसे? अगर वो घर नहीं बिका तो ये हमारे सर पे बैठा रहेगा। अगर प्रोफेसर को भरोसा हो गया तो वो घर खरीद लेगा और इसको हम अच्छा खासा कमीशन दे देंगे, और ऐसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सोच के तो देख मेरी जान। यहाँ पर क्यों आए? निकलो यहाँ से, जाओ बाहर। शांत हो जाओ, एक बार फिर से सोच लो ना मैडम। मेरा घर है वो, जो चाहूं मैं करूं। ऐसा कौन सा गुनाह किया, रात को घर के बाहर ऐसा फेंका जैसे लोग झाड़ू मार के कचरा फेंकते हैं। कितनी मार लमाला, अरे अभी तक सॉरी भी नहीं बोला। अपन रह लेगा बंगले में। ठीक है, नाम क्या है तेरा? हीरो। विलेन ज्यादा सूट करेगा। वो ते पंडसालेल। घर में रह लोगे ना? बड़ी खुशी से। दूसरे लोगों की तरह वहां से डर के भाग तो नहीं जाओगे ना तुम? चीची, नहीं भागूंगा मैं, कभी नहीं। भागाओगी तो भी नहीं। कुछ बताना है उस घर के बारे में? जो बताना है वो बताओ। खड़े रहने से पैर दुखते हैं ना।
उस घर में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती हैं। जो भी रहने आता है वो डर के भाग जाता है या तो मर जाता है। कोई भी उस घर में टिक नहीं पाता, अजीब अजीब रहस्यमय ढंग से मर जाता है। कोई गिर के मर गया तो कोई जल के मर गया, और विनी के साथ भी वहाँ हादसा हुआ। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मुझे तो घर बेचना है, पता नहीं कैसे बिकेगा। तू तो गया, पहाड़ों की देवी तुझसे रुष्ट है, बस ये समझ ले कि आज के बाद तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। वो तो शादी की थी तब से तो लो गया, बीवी से पीछा छुड़ा सकते हो तो बता। मजाक में मत ले बालक, शादी सबकी होती है, तेरी हुई कौन सी बड़ी बात। मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती है, 500 दे सब ठीक कर दूंगा। 500 क्या, 100 रुपया होते तो ठंडी बियर जाके पीता, सारी टेंशन भूल जाता। इतना भाषण दिया, बोनी तो करा दे भाई। कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल यहां से। तुझे पर्वत देवी का खौफ नहीं है क्या, जान गवा देगा। अगर मुन्ना को गुस्सा है ना तो तेरी अर्थी यही बिछा देगा, समझा। ये मुन्ना कौन है? ये अब तू निकल। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बेचैन रहोगे, झगड़ोगे, बेमौत मरोगे। वैसे भी इस धरती पर बोझ ही लगते हो तुम, श्राप लगेगा तुम्हें। श्राप नहीं चाहिए, अरे इनको 100 रुपया दे दे। गाइस पाखंडी की बात सुन रहे, चल अपना बैग पकड़। अरे कहाँ था तू इतने दिन से, ये बैठ जा, बताता है ना। हम लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं क्या? हाँ वही समझ ले। मुझे तो लग रहा कोई रिसोर्ट जाएंगे, ये तो खंडर में ले आया। खंडल वो पिक्चर में होता है वैसा ही ना, भूत वाला। अब ये किसका घर है, कहाँ ले आया हमें? अपना ही घर समझो इसे, ऐश कर गया इधर। तूने इसे खरीद लिया क्या? फुल कैश में, आज के बाद ही कार ये बंगला सब मेरा, धमाल करा। ये तो काफी बड़ा है, मुझे डर लग रहा है। अबे काय को डरता है, चुड़ैल की माँ आ गई तो सुसु कल के आता हूँ। बाथरूम किधर है? वास्तु के हिसाब से इधर होना चाहिए बाथरूम। किधर है, किधर है? शीशे की चमक अच्छी है ना, ना, ना। ये क्या है? यहाँ चूहे बहुत होंगे। मम्मी पानी बहुत टिकना है, तेल की पानी। अरे ये क्या है, इतना सारा खून, और ये है किसका? बड़ी अजीब सी जगह है, इंटरेस्टिंग। ए मम्मी कौन? Hey, मिट्टी क्यों खा रहा है? मुझे किसी ने खींचा। फट्टू कहीं का। अले? मम्मी, भूत है यहाँ।
सारे जोकर मेरे में छे। ये देख। अरे चीटिंग क्यों कर रहा है? तूने देखा क्या? देखा ना। अबे अपने गेम पे ध्यान देना। नहीं ऐसे ही देख लाता। पता डाल। वहाँ पक्का कोई भूत है। पता डाल। अरे थट्टी बोल रहा हूँ, माँ खत्म। उधर से ऐसे दाब कल के कोई गया, कोई देख कर लाओ ना भाई, कोई है। मैं देखता हूँ, मैं देख के आता हूँ, और अगर कोई मिला नहीं ना तो तुझे अबे हार्ट अटैक से मर जाएगा, फट्टू कहेगा। तत बोल रहा हूँ। कौन है उधर? तेरा भूत खड़ा था, एक नंबर का फट्टू है, कुछ भी बोलता है। कोई था? मारूंगा चिरकोट। रम्मी के वक्त उसको भूत वाली मम्मी याद आती है। यार यार यहाँ तो कोई आसपास दारू की दुकान भी नहीं है। अगर कुआं पास में नहीं है तो प्यासा कुएं के पास पहुंचेगा। इतने अंधेरे में आने की क्या जलूल थी? अरे दारू के लिए कुछ भी। वो खंबा तो गाड़ी में रह गया। ये जल्दी जा और लेकर आ। लेके आता हूं। नहीं नहीं मैं देखूंगा तुम लोग क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं पानी ठंडा है। मुन्ना चल अपन एक गेम खेलते हैं, जो पानी के अंदर ज्यादा टाइम रहेगा ना अपन की तरफ से फुल खंभा मिलेगा उसको। मैं अंपायर तू बनेगा अंपायर। काउंटिंग कर। रेडी 1 2 3। अंदर जा। कौन आएगा पहले? लोग बाल क्यों नहीं निकल ले? अले जल्दी बालो, डर लग रहा है। जल्दी आओ ना, ये तीनों अंदर चैलेंज देने में डूब जाएंगे और मर जाएंगे, बाद में इधर भूत मुझे मार डालेगा, क्या करूं? हे गेम ओवर, तू आउट हो गया, तू भी गया। हे अपना हीलो जीत गया। अले नाचो गाओ ना, जीत गए ना। ऐसे क्या देख ले हो, जैसे मेरे पीछे भूत खड़ा हो। बताओ क्या इतनी सी बात पे डर गया? कौन थी वो? होगी कोई पागल, वो घर के अंदर आ गई तो हम बाहर निकल जाएंगे। वो ऐसे ही घूमती होगी, और नहीं तो क्या, मुझ पे हमला करेगी तो? तेरे को ऐसे देख के लड़की भाग जाएगी। कुछ पहन ले, ये चड्डी गीली है, थुका के पहनूंगा। ये लोग तो इधर ही, तो हॉर्न कौन बजा रहा है? मम्मी आए तो दलाल तो आए, बला कतल तो आए, तो दलाल तो आए, बला कतल तो आए, तो दलाल तो आए।
इस टाइम कौन हॉर्न बजा रहा है? गुलाला 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 पोए गुलाला पुलाला पुलाला पोए तेरी तो अबे ठीक से बोल प्रैक्टिस कर और कितनी बार सिखाओ रही सुलाला पुलाला ये दो नेम प्लेट किसके हैं पुलाला थुला ये उनके नाम है जो पहले यार राह करते थे जिंदा की मल गए टपक गए मजाक कल्ला था तेरी तो वो वाली नेम प्लेट पे नाम क्यों नहीं है वो काला काला जो यहाँ पर नाम लिखेगा अगला नंबर उसका होगा अगला नाम किसका होगा तेरे को अपना नाम लिखवाना है नहीं नहीं क्यों फिर से फट गए डरपोक अबे तेरी चवन्नी गिर गए क्या ढूंढ रहा है नाम लिखने के लिए कोई चौक भी छोड़ कर गया है जो भी था समझदार था नहीं 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 क्या कर रहे हो नाम लिखने जा रहा हूँ मेरा नाम मत लिखो ए, तेरा नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं लिखूंगा एक महान हस्ती का नाम और वो नाम है मुन्ना का मुन्ना ये बता तू बड़ा कब होगा अबे चुप मिस्टर मुन्ना गोस्वामी ए, एक बात बता मेरे नाम में वजन है ना वजन मरने के बाद हल्का हो जाएगा ये डोका खाओ ना का चलो ठीक है चलते हैं ना भाई हम लोग किधर डाले चुपचाप गाड़ी में बैठ वहाँ पीने को मिलेगा क्या ये शंकर भाव की पार्टी है लिमिट से पीना दारू पीने की कोई लिमिट होती है क्या हाँ तुम लोग तो टंकी हो जरा हल्के से वैसे भी मुफ्त की दारू पीने का अपना ही मजा होता है इसने तो डरा दिया था पागल है क्या ये पागल मेले पीछे पली है क्या आफत है गई गई अब कौन आ गया सोने भी नहीं देते ए, हिलो हिलो मुन्ना नहीं मिल रहा है गायब हो गया वो मुन्ना कहाँ गया ये मुन्ना कहाँ है तू मुन्ना मुन्ना आए, मुन्ना ये, कौन था किधर है कौन है मल गया वो मल गया मुन्ना मल गया है कहीं नहीं दिखला चालो तलब देखा किधर भी नहीं मिला अरे क्या मुसीबत है इस गल में भटकती हुई आत्मा है क्या हुआ वो आत्मा मुन्ना को ले गई है कितना डरपोक है बे तू फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है टल्ली होके किधर पड़ा होगा गाड़ी तो बाहर ही है चुप
बाथरूम में देख क्या, उसे बहुत टाइम लगता है। कैसे हो? थक गया। किधर था? सुबह सुबह इसने गाल पे काय को धरा? कल रात से तू गायब ऐसा बोल रहा है, इसके फटके हाथ में आ गई थी। अच्छा, तुमको वो पागल लड़की याद है जो बार बार सामने आ जाती है? मैं उसे पागल खाने में भर्ती कराया। पुण्य का काम किया रे। अजीब बात है, लेकिन वो बातों से पागल लग नहीं रही थी। तू भी पागल है, इसलिए वो तेल को तेले जैसी लग रही थी। अब पता चला कैसा लगता है फट्टू। हेलो, तुम सब एक एक करके मारे जाओगे। फैमिली पैक का डील नहीं है क्या? तो जाके आना, मुझे कंपनी चाहिए। अरे उसमें क्या कंपनी दूं तुझे मैं? अले चलना, इधर ही पैंट में हो जाएगी। चलना चलना, मेरी सुसु बहुत खतरनाक है, गद्दे में भी होल हो जाएगा। चलना, पका मत सोने देना। चलना, इधर बाद आ जाएगी। क्या रे, ठीक है चल चल चल। खामा खा मेरी नींद खराब कर दे, कितना बड़ा फट्टू है तो। ए दली लोग, किधर भी जाना मत, मैं अभी कल के आता हूँ। इतना कौन डरता है बे, जा। किधर भी जाना मत, फट्टू कहेगा। आवाज कैसी थी? कोई भी तो नहीं है यहां पर, तो फिर आवाज किसने की? यहां पे भी कोई नहीं है। भूत, तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। इसीलिए फोन किया था क्या? ना ही मेरा ये घर बिकने वाला और ना ही मेरा कर्ज उतरेगा। मुझे तुम्हें और प्रॉब्लम में नहीं डालना है। कोई और बात करे क्या? तुम्हें कमीशन चाहिए ना, तुम्हें वो मिल जाएगा। अब जाओ यहाँ से। अपन उसी दिन निकलेगा जिस दिन यह बंगला किसी को टिका देगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम्हारे दोस्त के अलावा यहाँ चार और लोग मर चुके हैं। अगर तुम यहाँ रुके ना तो तुम भी मर जाओगे। आज तक अपन पैसे के लिए वहां रुका था, अब मुन्ना के कातिल को ढूंढे बगैर अपन वहां से नहीं जाएगा जब तक अपन सच्चाई का पता नहीं लगा लेता। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? चार लोग मर चुके हैं, लोग कहते हैं वहां भूत है, क्यों जान रिस्क पे डाल रहे हो? मैडम, अपन का टोटल लाइफ इस रिस्क में कटा है, उसके सामने अपन को ये रिस्क कुछ भी नहीं लगता है। मैं भी देखता हूँ घर के अंदर कौन सा भूत छुपा है। निक तो Thank you.
मेरा नाम हीरो है। आपके पति की डेथ कैसे हुई? मंत्रा विला में भूत है मैडम। लगता है आपके पति को उस भूत ने ही मारा है। मेरे दोस्त जिसने आपको एडमिट किया ना, वो भी आपके पति की तरह मारा गया। आप बता सकते हैं आपके साथ क्या हुआ था? ठीक, इसलिए हमने भागकर शादी कर ली और शहर से दूर हम एक फार्म हाउस में रहने लगे। हमारे जीवन में बस खुशियां ही खुशियां थी। हम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। राजेश, राजेश उठो, क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं जाना है क्या बाबा? अब जाओ भी, अब जाओ वरना लेट हो जाओगे। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ ना। बिल्कुल पागल है तुम फिर। हाय, मैं बाजू के फार्म हाउस में रहता हूँ। बाय द वे, आई एम अभिराम। मेरे साथ चेस खेलना चाहोगे? मुझे नहीं आता। मैं सिखा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं सीखना है। एक बार खेल के तो देखो, मजा आ जाएगा। तुम्हारा हो गया तो अब तुम जा सकते हो। Are you sure? Miss me. पागल कहीं का, पता नहीं कहां से आ गया। तुम, पता है मैं कितने डर गई थी? इतने में ही डर गई? बेबी एक गुड न्यूज सुनो। क्या? मुझे प्रमोशन के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कांग्रेस। दो दिन के बाद सीधा कोलकाता। तुम आ गए? तुम तो दो दिन के बाद आने वाले थे ना, इतने जल्दी आ गए? कंपनी डूब गई। यूं अचानक? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे अचानक क्या हो गया? गुड मॉर्निंग राजेश। उस घर में जरूर कोई भूत है। राजेश ऐसे नहीं मर सकता। सालों से उसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। सो कोई भी शॉकिंग न्यूज़ सुनती है या कोई पुरानी बात याद आ जाती है तो वो काफी भड़क जाती है। उसे काबू करना मुश्किल होता है। वो कब तक ठीक होगी? ठीक से कह नहीं सकता, कल भी हो सकती है और सालों भी लग सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। यू वेलकम। बिना कुछ बताए सदमे में फिर से चली गई। हमको इंतजार करना होगा। मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। वरना कल मैं मल गया तो है? तुम सब मरोगे। इस जंगल में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। वो पागल भी यहीं पर घूमती रहती थी। आखिर क्या राज छुपा है इस जंगल में? उस पागल का सामान लगता है। ये क्या है? डायरी? हमारी शादी को एक साल हो गया था, फिर भी ऐसा लगता था जैसे कल ही शादी हुई है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर हमारा परिवार हमारे प्यार के खिलाफ था, इसलिए हमने उनके खिलाफ जाकर शादी की और उनसे बहुत दूर इस फार्म हाउस में रहने लगे।
आज सुबह जब मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कोलकाता के लिए निकलने वाला था कि तभी मुझे पता चला कि वो प्रोजेक्ट एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर जल्दी जाकर अपनी प्यारी बीवी को सरप्राइज दूं। पर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ संबंध बना रही थी। सॉरी, मैं जिससे इतना प्यार करता था उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं पूजा को मार डालूंगा और उसके आशिक को भी। उन दोनों को उनके किए की सजा मैं जरूर दूंगा। अगर राजेश उन्हें सजा देना चाहता था तो फिर राजेश को किसने मारा? हेलो, हाँ मैं हूँ। क्यों फोन किया? मैं वापस नहीं आऊंगा। ए, इधर कोई लफड़ा नहीं है, बस आदमी ने सुसाइड किया और उसके घर में औरत पागल हो गई है। वो नहीं मला, और भी लोग मले, उनका क्या? ए, उनकी भी ऐसी कोई स्टोरी होगी। तो अपना दोस्त मुन्ना कैसे मला? सच्चे? तो फिर मुन्ना कैसे मरा? ये बोर्ड यहां पर क्या कर रहा है? मुन्ना गोस्वामी। उसने नाम लिखा था, जिसका भी इधर नाम होता है वो मर जाता है। मैं अपना नाम लिखूंगा, हीरो। लिख दिया, क्या करेगा? जिसमें भी हिम्मत है मुझे छू के दिखाए। इधर ही खड़ा हूं। ए भूत, आ मुझे मार। मैं तेरे से नहीं डरता। बाहर निकल। अगर सच में इस घर में कोई आत्मा है तो आओ, मार कर दिखाओ मुझे। आ हिम्मत है, बाहर आओ, मैं यही खड़ा हूं। ये क्या है? ये दोनों तो इस घर में मरे थे, तो मुन्ना इस फोटो में कैसे आया? उस घर में आत्मा है। मैं तो कहता हूँ अब उसे भी उस घर में अकेले नहीं रहना चाहिए, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसने मिलने के लिए बुलाया, पता नहीं क्यों बुलाया है। ए, ये फोटो देख। फोटो? ये क्या, जो मल गए तभी एक फोटो में, ऐसे कैसे? ए, मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ। सतीश। हाँ बोल। पता लगा कि मुन्ना इस फोटो में कैसे आया? लेकिन उसका पता कैसे लगेगा? एक तरीका है। तू कहाँ जा रहा है? मंत्रा विला चलेगा? नहीं,
मुन्ना की मौत का राज जानने तक मैं वहीं रुकूंगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसको आखिरी बार देख रहा हूं? ए विलन, घर को लॉक किए बिना क्यों चले गए थे? वैसे भी इस भूतिया घर में कौन घुसने वाला है? क्यों नहीं घुसेगा, तुम्हारे जैसे बहुत है। हाँ, पहले फोन उठा। तेरी चमची होगी। हेलो, वैनी बोल रही हूँ, तूने मुझे फोन किया था? अरे वो मैं मंत्रा वाला आई हूँ। मंत्रा वाला? पर क्यों? बस ऐसे कुछ दिन यहाँ रहने के लिए। पर मंत्रा? अरे डरो मत, विलन है मेरे साथ, है ना? अरे वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तू टेंशन मत ले, अगर इसने कुछ किया ना तो भूत बनके मैं इसे मार डालूंगी। तू कब आ रही है? वहाँ आने से पहले तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है, जल्दी आना। तू अचानक से यहाँ कैसे टपकी? मेरा घर, मेरी मर्जी। हाँ ये तो सही है। ये बता, कर्ज में कैसे डूबी? जानना जरूरी है। आए तो नहीं, वैसे ही मैं पूछ रहा था। माँ बाप नहीं है, बॉयफ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, अब और डिस्को में पैसे उड़ाए होंगे। अपनी अय्याशी की कहानी सुनाने में शर्म आ रही है? ए, बोलना। चुप रहो तुम, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। वैसे भी तुम मवाली लोगों की सोच ऐसी घटिया ही होती है। ओहो, अगर मैटर नहीं बताओगी तो तुक्के लगाते ही रहूंगा ना। देखो ना, मेरी गलती है ना ही मेरे पापा की गलती थी। मेरे पापा बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल गारंटर थे। इतने अच्छे इंसान थे, इतनी मदद करते थे सबकी, लेकिन उन्हें क्या मिला? सबने उन्हें धोखा दिया। पापा को कैंसर था, लेकिन इस वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया। पापा के साथ जो हुआ वो देखकर इंसानियत से भरोसा ही उठ गया। पापा होते तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, भटकना नहीं पड़ता। अब बस मेरा जिंदगी में एक ही मकसद है, सारा कर्जा उतारना, तभी चैन से रह पाऊंगी। ये सारी बातें तुम्हें बताकर वैसे भी क्या मिलेगा? ऐसा क्या कह दिया मैंने? नाराज होकर क्यों जा रही हो? एक्सक्यूज मी मैडम, अरे ये गेट तो बिना रिमोट के खुल गई। सिगरेट जला लेता हूँ, ठंडी लग रही है। अरे वाप रे वाप, बंगला तो बहुत धासु है, फिल्म की शूटिंग के काम आएगा। अगर गाड़ी बाहर है तो ड्राइवर अंदर रहेगा, ये बंगले के अंदर जाना ही पड़ेगा भाई। चलो हिम्मत करके एंट्री मारते हैं। इतनी हिंट काफी है, हीरो है तो टेंशन काय को लेता है। हेलो हीरो, कौन रे?
अरे काय मरी भाव, नीट क्या पी रहे, पानी मिला के पीना भाव? मिलावट से अपन का एलर्जी है। हाँ बैठ, इधर ही ठीक हूँ, लेकिन तू बता इतना टाइम क्यों लगा रहा है? पहले तो तू हर डील को 7 दिन के अंदर फिनिश कर डालता था, लेकिन इस टाइम इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ना कोई बातचीत। और एक बात बता, ये डील तो तू शायद शहर में करने वाला था, यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है ना बवा तो मेरे को बता, मैं सॉल्व कर दूंगा। अपन को प्रॉब्लम कैसी? कैसे प्रॉब्लम नहीं है, देखो ढूंढने में पूरा 1 हफ्ता लग गया बवा, और वो लड़की का मैटर सॉल्व हुआ कि नहीं था? वो क्या? अरे अब बात मेरे खोपड़ी में आई, ये सारा मैटर क्लियर हो गया। शिकारी खुद घायल है, पैसे कैसे कमाएगा? तू यहाँ पे मैटर सेटल करने आया था, पर हम सबको साइड करके खुद ही सेटल होने की सोच रहा है। आ उम्र ही ऐसी है। ए विलेन, कौन है ये जो कब से काउ काउ कर रहा है? कौन है ये? ए, मैं कौन हूँ? बीडू तूने इसको मेरे बारे में नहीं बताया? भाऊ मैं तो सुन, मैं शंकर यादव का दाहिना हाथ हूँ, इसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के तू पैसे देने से बचना चाहती है। जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पैसे ला, नहीं दूंगी तेरा पैसा, क्या कर लेगा? पैसे नहीं देगी, पैसा तू क्या बात कर रहा है? पैसे लेके जाऊंगा। एक घूट पी, ये पीना, ठंडे दिमाग से सोचना, काय को काम बिगाड़ रहा है? वो राव साहब अपने को क्या देने वाला था? सिर्फ 25,000 ना? ये लड़की उसका कर्जा नहीं चुका पाएगी। इस प्रॉपर्टी की मालकिन है वो, उसे ये प्रॉपर्टी बेचनी है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम आएगी? कोई कब्जा करने आया ना तो उसके हाथ पैर तोड़ के उससे भीख मांगवाऊंगा। देख ना भाऊ, कोई आदमी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग प्रॉब्लम है। ओ तो इसका रास्ता क्या है बाबा? मैं कुछ दिन इधर रह के घर बिकवाएगा, फिर कमीशन लेगा। उधर शंकर भाई का पारा बढ़ गया होगा, तू जाके उनका टेंशन कम कर। मेरे को जो प्रॉफिट होएगा ना, उसमें से थोड़ा कट तेरे को देगा। कट का अमाउंट तो बता। बहुत लालची है तू। वैसे मैं बहुत ही दानवीर है, 100 टक्का चलेगा क्या? नहीं 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 नहीं। तो कितना चाहिए रे तेरे को? तू तो अपना स्टैंडर्ड पूरा डाउन कर रहा है। इतना कम तो तभी लेता था जब अपुन मंदिर से जूते चुराता था। 5% की बात कर, अपुन राजी है। 5% ज्यादा है। तो फिर 1.5, पूरा 3 क्या बोलता है? 4 करोड़ की प्रॉपर्टी का 3% 12 लाख होता है। ये क्या बोला? दिले जा। तो ठीक है, अब निकलो। है भाऊ, ये घर भूत लोगों से भरा हुआ है, उनका तेरे पे दिल आ गया तो? भूत पिशाच नजदीक नहीं आवे जब मणिकरण अपना मंत्र फूंक डाले। इन भूत प्रेतों के साथ में बचपन से कबड्डी खेलता आ रहा हूँ क्या? तू बस मेरे कमीशन का ध्यान रख, बाकी हम देख लेंगे। अब किधर जा रहे हो? हल्का होने। मिस्टर एंड मिसेस रामदेव सिन्हा, ये दोनों तो यही मरे। कार्ड भेजने वाले को ढूंढना पड़ेगा तो कुछ पता चलेगा। कौवा कहीं का मेरे घर पे आग डालता है, अभी बताती हूँ इसे। लगता है यहाँ सच में भूत है। भाओ, आ रहा आ रहा। कोनी आएगा? यस। क्या सुनील गुप्ता आप ही है? हाँ मैं ही हूँ, पर आप कौन? रामदेव सिन्हा के बारे में क्या जानता है? हम लोग मंत्रा विला से आ रहे हैं। मंत्रा विला?
नहीं नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, आप जा सकते हैं। भिड़ू, हाथ पांव तोड़ेंगे तो सच बताएगा। भाऊ मुंह बंद रख, मंत्र अविला के बारे में तो कुछ नहीं जानता, तो फिर ये मैरिज कार्ड उस एड्रेस पे कैसे पहुंचा? हैं? कह रे, हैं? वो और मैं दोनों एक ही गांव के थे, हम दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वो बिजनेस करने आया था और उससे बहुत बड़ा घाटा हो गया, उस वजह से वो शराब में डूब गया। उसकी बीवी सोनाली और साला उसे दिन रात कोसते थे। गरीबी से तंग आकर वो एक तांत्रिक से मिला। किसी ने उसे बताया कि अगर एक झटके में पैसा कमाना है तो कुबेर देव को अपने काबू में करना होगा। यज्ञ चालू हुए, पर बदकिस्मती से पवित्र कुबेर देव के बजाय एक दुष्ट चुड़ैल जाग उठी। बहुत सारी आत्माएं और चुड़ैल को देखकर सारे तांत्रिक वहां से भाग गए। तांत्रिकों ने तो किसी तरह अपने आप को बचा लिया, लेकिन चुड़ैल ने रमेश का शरीर अपने वश में कर लिया और वह मंत्र विला तक आ गई। उसके शरीर में प्रवेश करके अपने अधूरे अरमान पूरे करने लगी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। फिर अचानक एक दिन सुनने में आया कि उसकी बीवी और साले की मौत हो गई। ये भी सुनने में आया है कि मंत्र विला में अभी भी भूतों का साया है, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता। पर आप लोग रामदेव को कैसे जानते हैं? अपना एक दोस्त वो बंगला खरीदना चाहता है, लेकिन पता चला कि इनकी मौत उधर हुई है, इसलिए बस जानना चाहता हूँ कि इनकी मौत की वजह क्या थी। अच्छा, जानकारी के लिए शुक्रिया, अब चलते हैं। ठीक है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपके शादी के फोटोज और वीडियोस देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। इनकी शादी की सीढ़ी देख के अपन को क्या फायदा? देखते जाओ। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मुन्ना। अरे, ये तो तेरा दोस्त मुन्ना है। हाँ। थैंक यू। थोड़ा सा रिवाइंड करिए। हाँ। नमस्ते। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मुन्ना। हाँ। आप इसे जानते हो क्या? मेरी बीवी का दोस्त है। ओह। सॉरी। ओ, इसीलिए इसका फोटो भी इनके साथ है। हेलो। बताएंगी मैंने कहाँ फोन किया है? मंत्रा वाला। और मैं किससे बात कर रहा हूँ? मंत्रा से। तुम सब मरोगे। पर आपको ए, ये मेरी कॉफी है, तुम क्यों पी रहे हो? सोन पापड़ी से मीठी है। छी। ये कम था मुझे परेशान करने के लिए जो एक और आके मेरे सर पे बैठ गया। ओहो, इसीलिए इसका मूड ऑफ है आज। सुनो, मनी भाव के रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तेरे को, क्वार्टर पीने की आदत है उसको, लेकिन बहुत ही नीट आदमी है वो। वैसा सच बताऊं ना तो वो बहुत ही काम का बंदा है। अपने चने के झाड़ पे चढ़ा दो तो मस्के की तरह अपना काम निकल जाएगा, अगर भगाया तो नुकसान होगा, वो सीधा शंकर भाव के पास चला जाएगा। अगर तीन लोग घर में रहेंगे ना तो घर खरीदने वाले का भी भरोसा बढ़ जाएगा, तेरा बंगलो झटपट बिक जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो प्रोफेसर ये घर खरीद लेंगे ना? अपन को थोड़ी कॉफी मिलेगी। प्रोफेसर ने अगर नखरे दिखाए तो अपन बंगलो किसी और को दे देंगे ना? वैसा मेरे को तो इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता। माला सांग, इस घर में कभी कोई माली या कोई वॉचमैन नहीं था क्या? इतना तो याद नहीं है, पर एक सक्कूबाई नाम की आंटी थी जो आती थी, इतना ही पता है। सुनो, मेरे को एक प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? जब ये घर बिक जाएगा तो मुझे तुम्हारा वॉचमैन बनाना। बॉडीगार्ड बनोगे? ये भी ठीक है। आ,
टेप से क्यों बंद किया है? यहाँ तो दरवाजा है। आज पता लगाना ही पड़ेगा कि इस कमरे में क्या है। अरे ये तो लॉक है, खुल नहीं रहा। चाबियां लेकर आती हूँ। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? भाव, हाँ? मेरे को थोड़ा टेंशन हो रहा है। क्या? मैं नौकरानी से मिलकर आता हूँ। हाँ? आप मंत्रा के पास जाओ, उसके पास कोई नहीं है। कैसे जाऊंगा? प्लीज, तुम्हें कोई ना कोई लिफ्ट दे देगा। ओके, अभी चप्पल घसवाएगा मुझसे। जा बाबा। हाँ थैंक यू भाव, क्यों करे तो? पता नहीं इसने अचानक मुझे जाने के लिए क्यों कहा है। हा? सोचा भी नहीं कि इतनी दूर में पैदल कैसे जाऊंगा। है बहुत लंबा रास्ता है बाबा। ये सखू भाई कहाँ रहती है? उधर जाओ। ए, सखू भाई किधर रहती है? वहाँ से वहाँ। चला दिखा। माता काय को है? ए सखू भाई, कोई मिलने आया है। हाँ बोल। क्या है? यही है। चल निकल तू। तुम मंत्रा विला में काम करती थी क्या? तू कौन है? मैं हीरो। हाँ करती थी। तो काम क्यों छोड़ा? क्योंकि जो भी वहाँ पे आता था कहता था कि वहाँ पे भूत है, इसलिए मैं डर के भाग गई। एक मैडम थी जो हमेशा लिपस्टिक कर लाली लगाती थी, फैशन करती थी। और तो उसको क्या हुआ? सुनने में आया है कि भूत ने उसको भी मार डाला। और उसका पति? पता नहीं उसका क्या हुआ। चप्पल के साथ साथ पैर भी घस गए। कितना चलना पड़ेगा। ये कंबक लाइट को भी अभी जाने का था। जलाओ भाई माचिस। Huh?
बेड़ो ये सोई रही है ना कहीं ऊपर तो नहीं, नहीं 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 जस्ट पूछ रहा हूँ चेक करता हूँ रे भूत है मैंने देखा कल कल रात को मैंने एक भूत देखा था वो बिल्कुल एक इंसान की तरह लग रहा था सच में इंसान जैसा कैसे दिखेगा शांत हो जाओ तो तुम निकले ना हाँ तुम्हारे जाने के बाद मैंने मैंने वो कमरा खोला और मैं बेडरूम में गई उसके बाद अचानक लाइट चली गई फिर ऊपर से जोर से एक आवाज आई तो मैं ऊपर गई चेक करने के लिए शांत हो, नहीं, शांत मैं हो। सच कह रही हूँ ये सच बोल रही है मैंने भी आवाज सुनी थी डर कर मैं ऊपर पहुंचा और वहाँ एक परछाई दिखी टोटल ब्लैक आउट नीचे देखा तो ये फर्श पे गिरी पड़ी थी हा? कुछ तो है ए, तुम दोनों एक दूसरे को अंधेरे में देख के डर गए होंगे इसीलिए तुम अभी भी शौक में हो भूत भूत कुछ नहीं होता लो पानी पियो और शांत हो जाओ कुछ नहीं होने वाला है चलो ये भाव तू बाहर चल भाई मेरे से बात करनी है चल पे भूत है अरे कोई भूत भूत नहीं है चल तू बात सुन मेरी अरे सुन ली समझ ली चल इतना टाइम क्यों लगा रहे हो अरे कहाँ हो
नहीं भाव विलेन, कोई तो खोलो। वो बाहर टहल रहा है, मैं यहाँ अंदर चेस खेल रहा हूँ। तो ये दरवाजा बंद किसने किया? अरे बाबा ये प्रॉपर्टी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है। क्या भाव? सुनाई नहीं दे रहा था, कब से दरवाजा ठोक रही हूँ? बेशरम। ए टपोरी, किधर जा रहा है? मैं जरा बाहर घूम के आता हूँ। सीनियर टपोरी कहाँ है? सब जगह ढूंढा लेकिन किधर दिखाई नहीं दिया, लगता है तेरे से डर के भाग गया होगा। मुझसे डर के? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, यहीं कहीं पी के पड़ा होगा बेवड़ा। पूरा घर छान मारा, इधर किधर से नहीं है ये तो मी। ठीक है जल्दी आना। हेलो, कैसी हो बेटा? रंगस्वामी अंकल, कैसे हो आप? अभी कहाँ पर हो? मंत्रा विला में हूँ। कल के बाद तुम्हें वहाँ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों अंकल? एक प्रोफेसर साहब तुम्हारे घर को खरीदना चाहते थे, तुम्हें याद है ना? वो कल पैसे लेकर आ रहे हैं डील को पक्की करने। आप सच कह रहे हो? हाँ बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच अंकल। लेकिन ख्याल रहे, आज की रात तुम्हें उसी घर में गुजारनी होगी। ठीक है अंकल। भूलना मत, कुछ भी हो जाए पर रात को घर से बाहर मत निकलना। हाँ नहीं निकलूंगी। समझ गई ना? थैंक यू। ओके थैंक यू, बाय बाय। पता नहीं वो जिंदा होगा कि नहीं, एक बार देखना तो पलेगा, दोस्त है। विनी, प्रोफेसर फाइनली मान गए, मुझे जल्दी एडवांस पे मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। अब उस प्रोफेसर को यकीन हो गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब वो घर खरीदने को तैयार हैं। चलो अच्छा है, वो गुंडा कुछ तो काम आया। हाँ सच कहा, सच में मैं तो बेवजह ही परेशान हो रही थी, यहाँ कोई भूत नहीं है, बस थोड़ी सी दुखी हूँ यार। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि कल मुझे मंत्रा विला को छोड़ना पड़ेगा। बॉस आ रहे हैं, बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। हे विलेन, गुड न्यूज सुनी तुमने? तुम्हारी सारी बातें सुन ली मैंने, जो चाहिए था मिल गया ना, अब एकदम टकाटक रहने का। खुशी किसके साथ बांट रही थी? विनी के साथ। अच्छा ये तुम्हारी आखिरी रात है मंत्रा विला में। ओ, तो तुम क्या आखिरी जिंदगी इधर ही रहने वाली हो? तुम्हारी भी तो आखिरी रात है। वो तो है। कुछ देर पहले तुमसे मिलने के लिए कोई आया था, अजीब सा लग रहा था, मुझे देखते ही भाग गया। तेरे को देख के डरा होगा, कौन हो सकता है। ये क्या हो गया? जल्दी आओ। अरे देवा, ये सब कैसे हुआ? देखो ना, यहाँ कोई था ही नहीं तो फिर ये कौन कर सकता है विलेन? मुझे बहुत डर लग रहा है, इस घर में कब तक कोई आता है? कुछ सोचने दो कि मेरे को। तुम घर पे अकेली थी फिर? प्लीज चलते ना यहाँ से, प्लीज चलो ना यहाँ से, देखो घर भी बिकने वाला है। चलो ना, छोड़ना, पागल हो गए हो क्या? इतना मेहनत किया मैंने, कल पार्टी एडवांस देने आने वाली है, बिना पैसे निकल जाए। देखो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर कोई आत्मा है, प्लीज चलो ना यहाँ से, हमारी जान को खतरा। डर मत,
मैं हूं ना यहाँ पर। उठाते हैं सब कुछ, चल। ओ मंत्रा, वो प्रोफेसर कैश देने वाला है कि चेक? कल आ रहे हैं, उनसे ही पूछ लेना। ये लाली लिपस्टिक पाउडर कितना लगाती हो वैसे? तेरी उम्र क्या रे? क्यों पूछ रहे हो मुझसे? 18। लड़की असली उम्र छुपाती है, पक्का ही अपने को शेंडी लगा रही है। 18 की हूँ और उतनी ही रहूंगी, समझ गए? मैंने कहा था ना यहाँ पर कुछ है। अब तो तुम्हें भी यकीन हो गया। शांत हो जाओ, चलो ना यहाँ से। मेरे को देखने दे। देखो आवाज सुनी? प्लीज चलो ना यहाँ से। अगर एक मिनट कुछ है यहाँ पर। अरे ये तो भाऊ अपन को फोन कर रहा है। हेलो। हाँ बा, मैं बोल रहा हूँ, मणिकरण। मणिकरण? हाँ हाँ, भाऊ का फोन है। बिना बताए कहाँ चले गए तुम? वो सब छोड़, मंत्रा एक आत्मा है, वो बाथरूम में गई, दरवाजा बाहर से बंद किया और अपने आप खोल भी दिया। क्या? हाँ। अब क्या भाव, कुछ भी फेंक रहा है, वहम होगा तेरा, आजकल ज्यादा पी रहा है तू। वो सब छोड़ो भाव, बाद में बात करते हैं। चलो भाई फोन रखो। जब देखो फोन बिजी होता है। ये भाव ने मंत्रा के बारे में ऐसा क्यों कहा? ये सुबू कहां गायब हो गया? हाँ सुबू, कल तू मंत्रा विलाया था, क्या हुआ रे बाबा? आया था, उधर एक लड़की पियानो बजा रही थी। ओहो, मंत्रा को देखा होगा। लेकिन वो तो 20 साल पहले मर गई है। क्या फालतू बकवास कर रहा है, कुछ भी मत बोल। वो एक आत्मा है, वो तो गाना गा रही थी कि मैं सबको मार डालूंगी। और क्या बोल रही थी वो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और क्या क्या सुना तूने? मुझे सबका खून पीना अच्छा लगता है। तुम सच कह रहे हो ना? सच कह रहा हूँ, मैंने और मुन्ना ने उसकी कब्र देखी है। क्या? हेलो हेलो हेलो, बॉर्न ऑन 5th
June 1927, died on 15th November 1985. कुछ तो छोले ए हीरो आओ ना, आओ बैठो मेरे पास। देख क्या रहे हो, आ जाओ। आज काफी टेंशन में लग रहे हो, आज यहाँ आखिरी दिन है, इसलिए अगर किसी की अचानक मौत हो जाए और उसकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाए तो क्या उसकी आत्मा भटकती रहेगी? अगर मैं पॉप स्टार बने बिना ही मर गई तो क्या मेरी भी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी? जवाब दो ना, कुछ तो बोलो। आओ मेरे करीब आओ, इस घर के साथ आज मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। घर बिकने की खुशी में कुछ तो बोलो। अरे बोलती क्यों बंद हो गई? कोई बात नहीं, मैं ही कुछ बोलती हूँ। जो यहाँ पर आया है कभी ना वो लौट पाया है, जो पैदा होता है उसका मरना भी तय होता है। कोई बीमारी से मरता है और कोई हादसे से। इस घर में मेरा साया है, इस घर से मुझे कोई ना जुदा कर पाया है। चलो अंदर। कौन यहाँ पर आया है और कौन यहाँ से जाएगा? लेकिन वो तो 20 साल पहले मर गई है। जो यहाँ पहले आए होंगे उसे भी मंत्रा ने मार डाला होगा। 18 की हूँ और उतनी ही रहूंगी, समझ गए? एक बहुत बड़ा लोचा हो गया है। क्यों, क्या हो गया? आप जल्दी पान की दुकान पे पहुंचो। Ah!
घाय में क्यों बुलाया बा? मंत्रा विला में कुछ अजीब सा हो रहा है। मंत्रा की दोस्त विनी को मैंने हॉस्पिटल में पहुंचाया अभी। थोड़ी ठंडी बाटली दे मेरे को। ये ले। भाव इधर से तुम कल्टी लो। इधर ज्यादा देर रुकना मतलब तुम्हारी जान को खतरा है। फौरन निकल लो। जल्दी पेन और पेपर दो मेरे को। ये ले। इसमें साफ साफ लिख दे। समझ गया? ये एड्रेस पे जाओ और वसूली करके आओ। अपना पैसा लेने का बाकी है। तू मेरे को फोन करेगा? आओ, तेरा काम होने के बाद तू मेरे को फोन कर। मैं बहुत बिजी रहा हूँ। अरे सुन, अगर अरे समझा कर। ये चला गया। Oh, my God.
सोनाली, घर कैसा लगा? बकवास है, क्योंकि शहर से बहुत दूर है। क्रीम लाने के लिए कहा था, पर अब तो वो भी नहीं ला सकते। चुप कर, नहीं तो तुझे। अरे, खाना तैयार है। जा, निकल। अरे, रुक जाइए, ये क्या कर रहे? आ जाओ, बात करते हैं। हाँ, ठीक है। आप वैसे भी कुछ कमाते नहीं हो, कर्जे कहाँ से चुकाएंगे? बिजनेस करने की औकात नहीं थी तो लोन क्यों लिया आपने? जितनी चद्दर थी उतने पैर फैलाने चाहिए था ना। आप किसी भी काम के नहीं हो, बस घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हो। रोज रोज लेनदार यहाँ आके मेरी बहन को परेशान करते हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। दारू पीने के पैसे हैं आपके पास? इतने महीनों से समझा रहे, समझ में नहीं आता। लेनदार घर पर आते हैं। हम कब तक पालेंगे आपको? कुछ काम धाम करोगे कि नहीं? दारू भी फ्री की नहीं आती है, मेरे पैसों की है। कोई प्रॉपर्टी बेच दो। भिखारी है, खानदानी भिखारियों का है। तुमने मेरी बहन को मार दिया था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या करो? नहीं नहीं, अरे ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। जो भी वहाँ आता था उन सबको मारता था वो। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन उसने जानबूझकर किसी को नहीं मारा। वो हालात से मजबूर हो गया था और उसी में उसने ये सब किया। गरीबी से मजबूर होकर वो तांत्रिक के पास गया और उसने कुबेर देव को बुलाया, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और उसमें से एक चुड़ैल बाहर आई और उस चुड़ैल ने रमेश का शरीर अपने वश में कर लिया और वो चुड़ैल जा पहुंची मंत्रा विला। उस चुड़ैल ने रमेश के शरीर को पूरी तरह वश में करके उसकी बीवी और भाई को मार डाला। रमेश इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगा और इसी सदमे में वो पागल हो गया। वो जिंदा कैसे रहा? जो खाना हम छोड़ देते थे वो खाना वो खा लेता था, शायद इसी तरह वो जिंदा रहा। हाँ हाँ, एक बार ना मैंने टेबल पे एप्पल रखा था, अचानक गायब हो गया, उसी ने ले लिया होगा। जो भी उसके पास आता उसको लगता कि उसकी बीवी उसे मारने आ रही है, इसीलिए उसे मार डालता। हाँ वो तो है, उसने मुझे भी मारने की बहुत कोशिश की। तुम टाइम पर नहीं आए होते तो मेरी तस्वीर पर हार लग गया होता। मुन्ना भी वो दरवाजा खोलने जा रहा था, इसलिए उसको मार दिया होगा।
पर मैंने उसका क्या बिगाड़ा? क्योंकि तुम्हारे अंदर उसे अपनी बीवी नजर आती थी। उसे लगता था कि उसकी बीवी की आत्मा उसे मार डालेगी, इसलिए वो उसे मारना चाहता था। उसने तो बाथरूम का दरवाजा बंद किया था, याद है? याद आया, याद आया। और जो गीजर ब्लास्ट हुआ था ना, उसी ने जानबूझ के किया था डर के मारे। इंसानों की डर की वजह से वेनी पर भी उसने अटैक किया। बेचारी, अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं उसे कभी मंत्रा विला बुलाती ही नहीं। छोड़ो भी, जाने दो। ऊपर वाले का शुक्र है वो ठीक है। सुनना, वो फोटो और कब्र? अभी बताता हूँ। तुम्हारे बंगले का नाम क्या है? बंगले का नाम मंत्रा विला। एक्चुअली मेरी दादी का नाम मंत्रा देवी था, मैं उन्हीं की तरह दिखती हूँ, इसीलिए मेरा नाम वही रख दिया। मैटर क्लियर है, उसकी दादी की कब्र थी, समझा?